करोड़ रुपए की निधि से ये बन रहा है, अच्छी से बन रहा है, नहीं बन रहा है कौन दिखाएगा? खुद को कोई अब पहचान खत्म होते जा रही है, लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब रईस शेख से अच्छा तो नाम मिल नहीं सकता खुद को चमकाने के लिए। वो स्कूल को गोद लिया हुआ है, वो स्कूल की पोजीशन ही है कि पंखे टेढ़े हैं, जगह जगह क्लास में क्रैक पड़ा हुआ है, कोई भी घाबड़ा टूट के बच्चे के सर पे गिर सकता है। लेकिन ये आमदार बार बार बोल रहा है कि आप बदल रहा है भिवंडी, राइज विद रईस, या ये जो बार बार बातें हो रही है प्रचार वचार की, चार साल बेमिसाल, तो किसके बेमिसाल? पूरे शहर के जो है कार्य अध्यक्ष बनाए गए हो, तो शहर में वेस्ट भी आता है, ग्रामीण भी आता है तालुके के अंदर, तो सभी की फिक्र करके सब जगह मुआयना करो, सब जगह दौरा करो, सिर्फ तनकीद करने से काम नहीं होता। तो मैं ज्यादा बढ़ावा देना चाहता नहीं, जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। देखिए भिवंडी पूरा हो या पश्चिम हो, आरसीसी रोड जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको दिखाकर ये बोलना कि शहर बदल रहा है गलत बात। अपने क्षेत्र का ये बता देना कि मैंने करवा, अगर वो इतने ही बड़े कार्य सम्राट है तो आईजीएम हॉस्पिटल को जिला रुग्णालय का दर्जा क्यों नहीं दिला देते? क्या है कि उन रास्ता चलते लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि रईस शेख साहब उनको एक्सप्लेनेशन दे इन सारी चीज़ों पर, और मैं उनको अहमियत भी नहीं देता ऐसे लोगों को जो सिर्फ नेगेटिव मेंटेलिटी की बात करें। चार साल बेमिसाल की जो बातें होती है, 20 करोड़ रुपया उन्होंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, वो एक बार बैठ के खुलासा करें ना, कौन कौन सी गली में कितना लाख रुपया दिया, उस गली में कितना काम हुआ, किस क्वालिटी का काम हुआ, वो भी दिखा के बताए ना, हिम्मत है तो। और काम प्रगति उस पर चालू है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो काम पूरा होने के पहले आना आलोचना करना, ये बहुत मतलब गिरी हुई राजनीति मेरी तरफ से, मैं बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं? तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये तीन डिशेज जरूर ट्राई करनी चाहिए जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है, एक बार जरूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, दवा जिला सभी का स्वागत है। कल हमने एक न्यूज सुनाई थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 617091, ये चार स्कूल इसी प्रीमाइसेस में चल रही है, शांति नगर का चिश्ते मस्जिद के पास में, गायत्री नगर और शांति नगर के बीच में चिश्ते मस्जिद के पास में ये स्कूल चल रही है। और यहाँ पे हमने दिखाया था कि स्कूल की दुर्दशा क्या है, खास करके हमने बताया था कि यहाँ पे स्कूल को MLA रईस शेख ने गोद लिया है और इसके ऊपर तकरीबन उन्होंने 70 लाख रुपये की निधि पास की है, और इसके बावजूद जो स्कूल की हालत है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कल जो हमने दिखाया था वो आधा सच था, आधा सच इसलिए था क्योंकि स्कूल का काम चल रहा है। लेकिन आज हम आपको सारी सच्चाई दिखाएंगे, हम MLA रईस शेख के एसोसिएट्स के साथ में, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में हम यहाँ पे आए स्कूल का दौरा करने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि हम जो खड़े ये ग्राउंड फ्लोर है और स्कूल का जो रिपेयरिंग वर्क चालू है, तो ये थर्ड फ्लोर से होते हुए थर्ड फ्लोर सेकेंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, तो अभी फिलहाल जो है थर्ड फ्लोर पर काम हुआ है, हम वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ में कल टॉयलेट की बात आई थी कि टॉयलेट नहीं है बच्चों को, तो एक लेफ्ट साइड में एक टॉयलेट है जो कि पूरा जर्जर हुआ है, तो वो हमें मालूम पड़ा है कि वो पूरा डिमोलिश करके जो है नया टॉयलेट बना के पूरा स्कूल के साथ अटैच किया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ ही वहाँ पे जा सकेंगे। ये जो राइट साइड में जो टॉयलेट है हाथी खाना पे, ये पब्लिक टॉयलेट है, ये भी ख़राब हुआ था तो जिसको रिपेयर करके अभी इसको शुरू कर दिया जाएगा कल परसों में। तो ये सारी स्थिति है यहाँ पर, लेकिन
लेकिन छोटे हाँ, तो अब हम आपका स्कूल का थोड़ा सा मुआयना कराते हैं, थोड़ा दौरा कराते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम भी है और अभी इट्स इन प्रोग्रेस जो है चालू है, काम चालू है, लेकिन फिलहाल प्रोजेक्टर आ गया है स्कूल के अंदर, LED आ गया है, बहुत सारी चीज़ें अभी आ गई हैं और धीरे धीरे जो है काम जैसे जैसे होता जाएगा चीज़ें बदलते जाएंगी। देखिए, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, कुछ रास्ता चलते लोग क्या खाली जो काम कर रहा है ना उसको किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से आलोचना की जाए, नेगेटिव मेंटेलिटी के जो लोग हैं उनका काम ही यही होता है। लेकिन मैं आपके सामने आज जो है कुछ हकीकत रखने के लिए आया हूँ कि रईस शेख साहब जो है जब से आए हैं तब से उन्होंने शिक्षा को सबसे प्रायोरिटी, सबसे अपने ऊपर लिस्ट में रखा हुआ है। और ये वही स्कूल है जहाँ पर कल एक वीडियो बनाया गया, इंटरव्यू लिया गया था और कुछ गलत बातें जो है जनता तक पहुँचाई गई थी और मेरे मीडिया के साथियों को भी मिसगाइड किया गया था इस स्कूल के बारे में। तो आज मैं उसका खुलासा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। क्या है कि उन रास्ता चलते लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि रईस शेख साहब उनको एक्सप्लेनेशन दे इन सारी चीज़ों पर, और मैं उनको अहमियत भी नहीं देता ऐसे लोगों को जो सिर्फ नेगेटिव मेंटेलिटी की बात करें। और पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अच्छे कामों में नुक्स निकालना उनका मकसद है। देखिए, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं इसी जगह जहां हम खड़े हैं। पहले ये इस तरीके का मैदान हुआ करता था। मैं ये पिक्चर्स आपको मोबाइल में भी भेज दूँगा सॉफ्ट कॉपी इसकी। ये थर्ड फ्लोर का है जहाँ पर कुछ देर पहले जो है अभी विजिट हुई। ये पिक्चर्स देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको सारी चीज़ें। और ये मैं सॉफ्ट कॉपी भी देता हूँ आपको इसकी। ये पिक्चर्स कब की है? ये पिक्चर्स, ये सारा जो अभी आपको यहाँ पर ये जैसे ये क्लासरूम दिख रही है, ये कलर दिख रहा है ऊपर थर्ड फ्लोर की जो आपने विजिट किया उसके जो चेंजेस आपने देखे, तो ये उसके पहले की है बिफोर, और ये आफ्टर का अभी है। और अभी भी इसमें काम, ये तकरीबन मैं समझता हूँ एक 6 से 8 महीना पुरानी है, मानसून के पहले की पिक्चर्स हैं ये। और उस वक्त यहाँ पर कंपाउंड वॉल बाउंड्री नहीं होती थी, गटर अंदर से बहती थी, वो टॉयलेट जो आप बाजू में एक धोखादायक में है वो चालू थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कराई गई है। सबसे पहले तो स्कूल के लिए 69 लाख रुपीज़ का फंड लाया गया। इस स्कूल का टॉप का जो पत्रा शेड था वो पत्रा शेड जो है पूरी तरीके से चेंज किया गया, नया लगाया गया। बाजू में एक टॉयलेट जो थी वो पब्लिक टॉयलेट थी, तो वो टॉयलेट को बंद करके, क्योंकि वो धोखादायक थी, ये बाजू में इस तरफ एक नई टॉयलेट 15 लाख रुपए की निधि से अलग से 15 लाख रुपए दिए गए स्कूल की निधि, 69 लाख छोड़ करके इसको 15 लाख दे करके इसको रिपेयर करके इसको पब्लिक यूज़ के लिए जो है इंशाल्लाह इसी हफ्ते में चालू किया जाएगा। पानी का कनेक्शन स्कूल के लिए भी और इस टॉयलेट के लिए भी करवा दिया गया है, मोटर वगैरह भी लगा दी गई है आमदार साहब की तरफ से। अब वो जो टॉयलेट आपने देखा, मैंने विजिट के दौरान आपको दिखाया, वो टॉयलेट को पूरी तरीके से डिमोलिश करके 30 लाख रुपये का फंड उसके लिए अलग से जो है पेपर वर्क चल रहा है, वो 30 लाख से वो टॉयलेट तैयार करके स्कूल में कनेक्ट करना है। स्कूल की जो लॉबी है वो डायरेक्ट टॉयलेट में कनेक्ट होगी, एक फ्लोर पूरा बच्चियों के लिए और नीचे का जो फ्लोर रहेगा वो बच्चों के लिए, इस तरीके से तरतीब उसकी बिठाई गई है।
वो पूरी स्कूल के लिए इस्तेमाल होगी, इसीलिए उसको स्कूल के कंपाउंड वॉल के अंदर लिया गया है। अभी जब मैं ये पिक्चर्स आपको दूंगा, वो पिक्चर्स और आप जो मुआयना करेंगे सारा, वो भी देखिए, दिखाइए विजुअल्स। और काम प्रगति उस पर चालू है, काम पूरा नहीं हुआ है। तो काम पूरा होने के पहले आना आलोचना करना, ये बहुत मतलब गिरी हुई राजनीति मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। उस पर बात आई थी कि पहले अंदर का जो बेसिक नीड है, जो बेसिक सुविधा है, उसको पूरा करने के बाद में बाहर लाली बॉर्डर लगाना चाहिए, इस तरह की बात। नहीं देखिए बाहर, अभी जब ये पिक्चर्स मैं आपको दूंगा, आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगाइए कि बाहर की तरफ से जो स्कूल की पोजीशन थी उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कई जगह पे क्रैक्स आ गए थे, पिलर्स में क्रैक आ गए थे, प्लास्टर गिर गया था, कहीं पर जो है दीवार भी टूटी हुई थी। वो सारी चीज़ को रिपेयर करके बाहर से उसको नया प्लास्टर करके पूरा उसको तैयार किया गया। अब ऊपर की तरफ से काम करते हुए नीचे की तरफ आया जा रहा है, जबकि कल आप लोगों को मिसगाइड करके सिर्फ वही पोर्शन दिखाया गया जहाँ पर काम नहीं हुआ है। अभी आपके बाजू में जो है 3 नई क्लासरूम बना के दी गई है और उसका भी काम अभी चल ही रहा है। ये इस तरफ नया टॉयलेट पूरा रिपेयर करके दिया गया, इसका भी काम चल रहा है, ये एक हफ्ते में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड वॉल बाउंड्री बनाई गई है। पहले लोग यहाँ पे आके अंदर घुस के नशा करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसको बंद कराया गया। कंपाउंड वॉल होने की वजह से जो है इलीगल पार्किंग बंद हो गई, स्कूल के लिए जो है एक प्रॉपर निज़ाम बना के दिया गया। अब ये स्कूल जब पूरी तरीके से तैयार होगी, उसके बाद ही आप सही और गलत का फैसला करोगे ना, कि चलते हुए काम के बीच में आके काम में अड़ंगा डालना और हल्की राजनीति करना, मुस्लिम कयादत की बात करना अलग चीज़ है। एक मुस्लिम कयादत जब आगे बढ़ रही है तो उसको देख करके इतनी मिर्ची लगती है कि उसी के पीछे पड़ जाओ। पूरे शहर के जो है कार्य अध्यक्ष बनाए गए हो, तो शहर में वेस्ट भी आता है, ग्रामीण भी आता है तालुके के अंदर, तो सभी की फिक्र करके सब जगह मुआयना करो, सब जगह दौरा करो। सिर्फ तनकीद करने से काम नहीं होता। इस पे आपको क्या लगता है कि जो शाला उस्मानी ने कल जो बताया था, जो दिखाया था, तो उसका मकसद क्या था? हल्की राजनीति है, खुद को कोई अब पहचान खत्म होते जा रही है, लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब रईस शेख से अच्छा तो नाम मिल नहीं सकता खुद को चमकाने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज रईस शेख को यहाँ की आवाम जिस तरीके की मोहब्बत से नवाज रही है, उनके काम को अप्रिशिएट कर रही है, उनकी मेहनत को सराह रही है, तो उनसे अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता खुद को चमकाने के लिए। तो ये हल्के लोग इस तरीके की राजनीति करके अपना हल्कापन दिखा रहे हैं। स्कूल के अंदर पानी की भी सुविधा नहीं है? स्कूल के अंदर पानी का कनेक्शन कर दिया गया है, नई मोटर लगा के दे दी गई है, वो भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। एकदम फुल स्पीड में जितना फास्ट हो सकता है, हमारी कोशिश है कि अभी दिसंबर चल रहा है, नेक्स्ट जो टर्म स्टार्ट होगा वो पूरा प्रॉपर तरीके से स्कूल का काम फिनिश करके हम इसको अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। अभी काम चल रहा है इसका। अभी आप देखिए, रईस शेख साहब ने 9 करोड़ रुपया लाया है 2262 स्कूल, जो पूरी तरीके से बंद ठप पड़ी थी बच्चियों की, वो स्कूल पूरी डिमोलिश करके नई बनाई जा रही है। स्कूल नंबर 87 है नई बस्ती में, उसके लिए 50 लाख दिया गया। फिर स्कूल नंबर 86 के लिए 1 करोड़ रुपया, कल उसका काम की शुरुआत की गई। उसी तरीके से स्कूल नंबर 65 के लिए जो है 50 लाख रुपए का फंड दिया गया। पूरे शहर में एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए रईस शेख साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आवाम जानती है क्या सच है और क्या झूठ है। कुछ लोग अपनी सस्ती राजनीति से जो है रईस शेख के नाम पर, मतलब वहाँ पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनकी जो बातें हैं वो उन्हीं के लिए आवाम उसका जवाब दे रही है। अगर लोग जो है कल के जो न्यूज़ की वीडियो है उसके कमेंट्स पढ़ लेंगे ना, तो उनको हकीकत पता चल जाएगी कि क्या मतलब लोगों का नज़रिया इसके बारे में। और आप सबके ज़रिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाइयों से, जो मेरे जितने भी भाई हैं जो चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरीके के सस्ते लोग, हल्के लोग अगर आके ऐसी राजनीति करते हैं, तो आप उन चीज़ों को पहले वेरीफाई करिए। क्योंकि अगर कल जो है आपके ज़रिए पूरा मुआयना अगर किया जाता, हालांकि जो है आपने कोशिश की थी लेकिन उसने करने नहीं दिया, मुझे ऐसा पता चला कि उसने आपको वही दिखाया जो काम नहीं हुआ है,
जो काम हुआ है नहीं दिखाया आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी रहे, मेरी जगह कोई भी रहे, अगर कोई हल्की राजनीति सस्ती राजनीति कर रहा है, आप शहर के हित के लिए काम करते हैं, दिन रात आप धूप में घूमते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, लोगों की सच्चाई आवाम तक पहुंचाते हैं चीज़ों की, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई भी आरोप प्रत्यारोप होता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है इस तरीके की न्यूज़ को बढ़ावा दे करके या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे करके शहर की आवाम का नुकसान होता है और शहर की आवाम रोज़ इंतज़ार करती है कि आज जो है हमारे भाई कुछ ऐसी खबर लेके आएंगे जिससे हमको मालूमात में या हमारे चीज़ों में इजाफा होगा मालूमात में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा आप उसका ध्यान दें। आलोचना काम अच्छा हो रहा है ये भी नहीं लोगों को पता चलता। आलोचना को मैं एक जो है उसको चेक आ जाएगा। नहीं, आलोचना को मैं अप्रिशिएट करूँगा, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन आलोचना सिर्फ एक ही जन को टारगेट करके आप कर रहे हो तो मतलब आप अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा दिखा रहे हो। शहर बहुत बड़ा है, आपको कार्य अध्यक्ष बनाया गया है, तो कार्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट ना किया जाए जो दिन रात मेहनत कर रहा है आवाम के लिए, समझे। मैं आपने एक क्वेश्चन किया है, मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा जब यहाँ पर कोई नहीं आना चाहता था, रईस भाई एकदम नए आमदार बनकर आए थे और उस वक्त स्कूलों का दौरा कर रहे थे, उनको मैंने इन्वाइट किया, तो जब उन्होंने यहाँ के बच्चों को देखा, उनकी दुर्दशा देखी, स्कूल के हालात देखे, तो मुझसे एक सवाल किया, सर आपके यहाँ कितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं। मैंने कहा 360 लड़कियाँ। तो उन्होंने एक बहुत तारीखी जुमला कहा था कि सर आज से 360 नहीं 361, मेरी एक बेटी और ये 360 मिला के इनके लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगा। और आपको मैंने दिखाया वहाँ पर ऊपर जहाँ जिस तरह कमरे हैं, ऊपर से काम शुरू है, सर ने बहुत अच्छा फंड दिया और बहुत सारे काम की शुरुआत की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि जितना कुछ हुआ कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है। और उनसे हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि सर इस मरतबा और मैं एक सियार यहाँ आपकी स्कूल को देने वाला हूँ, जो बचे हुए काम है वो भी करके हम इनको काम को मुकम्मल तकमील तक पहुँचाएँगे। हाँ, पानी के लिए ये मसला ये है कि रात में कनेक्शन आता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि किसी चौकीदार का हम एक प्राइवेट संस्था के थ्रू एहतसाब उनका नाम, उन्होंने कहा कि हम उनके ज़रिए एक चौकीदार का इंतज़ाम करेंगे जो आपका नल का पानी का इंतज़ाम भर के वो देगा। और उन्होंने वहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि वहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, उसका इंतज़ाम किया, कनेक्शन वगैरह हो गया कॉर्पोरेशन की जानिब से, तकरीबन हो गया। अभी पानी के लिए मतलब अभी नहीं आ रहा है पानी, फ़िलहाल पानी उसमें नहीं है, रात में चालू करने के लिए कोई नहीं, रात में यहाँ गया 12:15 बजे कनेक्शन ना लाता है पानी। हाँ, वो असल में ग्राउंड फ्लोर पे है, कुछ चीज़ें यहाँ ऐसे अनासिर है जो रात में यहाँ पर घुसते हैं और कुछ चीज़ें सलिया वगैरह तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं, स्कूल को नुकसान पहुँचाते हैं। और उन लोग उसकी तरफ जो है हम लोगों ने तवज्जा दिलाई है साहब को, उन्होंने कहा कि चौकीदार का हम लोग इंतज़ाम करते हैं, मसला भी हल हो जाएगा। आपके मीडिया माध्यम से बोलता हूँ कि रईस भाई जो भी है इल्ज़ाम लगाते हैं, जो भी जैसा भी करते हैं, मेरे को इतना मालूम है कि आम के पेड़ को ही पत्थर मारेंगे लोग, बबूल के पेड़ को नहीं मारेंगे, क्योंकि आम को मारेंगे तो आम तो गिरेगा ना, उनको मिलेगा। इसी के लिए आप हमेशा काम के लिए अड़चन करते रहते, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग बोलते रहेंगे, बोलने दो, हमारा काम करते रहेगी। ऐसा पहली मर्तबा आमदार मिला है जो आज शहर पे ज़मीन लेवल पे काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा है उसी के पीछे पड़े रहते हैं लोग। अरे जो और भी तो खासदार है और भी दूसरे एरिया के आमदार है उनके पीछे तो पड़ो, ये आमदार जो इतना काम कर रहा है तुम उनके पीछे पड़ रहते हो। ठीक है, काम अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, काम चालू है, ऊपर अभी आपने देखिए सब ऊपर से काम चालू होते हुए तो नीचे आएगा, फिर पूरा काम कम्प्लीट तो हुआ नहीं है। जो भी काम अभी बचा है वो इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे। पानी का जो मसला है, अभी जुम्मा को इंशाल्लाह ताला पानी की लाइन चालू होने वाली है, रईस भाई ने हमारे 2 MLT 3 MLT पानी बढ़ाए, जुम्मा को वो भी चालू हो जाएगा, स्कूल का शौचालय का मसला पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा। रईस भाई का काम देखते हो मैं क्या, और भी दूसरी पार्टी के लिए लोग
रईस भाई के मिलने के और अपना वार्ड के और कहते अपने शहर के काम के लिए बात करने के लिए उनसे पीछे लगे हुए हैं। और मैं ये पहला आमदार देखा हूँ कि जो थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया से लेकर असेंबली से सबसे ज़्यादा आज कहते पॉपुलर है। आज हर आदमी उनसे कहते मिलना चाहता है और अपने कहते ग्रामीण तक के लोग मेरे को कुछ कभी कभी कॉन्टेक्ट करते कि भाई हमारा भी काम करा के लो उनसे। और कुछ लोग क्या है भाई, हम आँख बंद करके देखेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, हम आँख खोलना चाहते ही नहीं है। उनके लिए दो सब बोलकर ख़त्म करता हूँ। तो मैं ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता नहीं, जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। और ये पूरे भिवंडी शहर को दिख रहा है कि काम कौन कर रहा है और कौन भौंक रहा है। तो ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा टीआरपी मिले किसी को ना, किसी का नाम लेते हुए ना कुछ नहीं, जो उसने भौंका है वही हम लोग दिखा दिए कि ये हकीकत ठीक है।